नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर में भारत सेवा श्रम संघ द्वारा आयोजित त्रिशूल उत्सव में शनिवार को शामिल हुए राज्य के राज्यपाल महामहिम द्रौपदी मुर्मू अपने संबोधन में जनजातीय समुदाय को बताया संस्कृति का अहम हिस्सा। जमशेदपुर महानगर भाजपा ने नव निर्वाचित विधायक सरयू राय के समर्थकों पर लगाया मारपीट का आरोप। इस संदर्भ में सीताराम डेरा थाने में दर्ज कराई गई लिखित शिकायत। जमशेदपुर में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर पाकिस्तान के ननकाना साहिब पर हुए हमले के विरोध में उपायुक्त को सौंपा प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में भारत सेवाश्रम संघ द्वारा आयोजित त्रिशूलोत्सव में शनिवार को राज्य के महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू पहुंची, जहां उनका स्वागत भव्य तरीके से किया गया। उन्होंने यहां आयोजित जनजातीय सभा में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने जनजातीय समुदाय को संस्कृति का अहम हिस्सा बताया। कार्यक्रम के शुरुआत में यहां महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में मुख्य अतिथि का स्वागत किया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने यहां पहुंचकर सबसे पहले आदि गुरु के चित्र पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया, जिसके बाद मंच पर उनका स्वागत सेवाश्रम के सदस्यों के द्वारा किया गया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और उनकी संस्कृति काफी समृद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में 32 प्रकार के और देश भर में 705 प्रकार के जनजातीय समुदाय के लोग निवास करते हैं। काफी मेहनत करने के बावजूद ये हमेशा खुश दिखाई पड़ते हैं। इन्होंने कहा कि इनके विकास के लिए सभी को आगे आना होगा, तभी ये विलुप्त होती जनजातियां बच पाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि बहुत से जनजातीय समुदाय के लोग शिक्षा के अभाव में रास्ता भटककर गलत दिशा में चले जाते हैं, जिन्हें शिक्षित करने की जरूरत है ताकि ये जनजातीय समुदाय कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ पाए। वहीं भारत सेवाश्रम संघ की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि 100 से अधिक वर्षों से संघ के द्वारा जनजातीय कल्याण पर कार्य किए जा रहे हैं, जो सराहनीय है। झारखंड एक ऐसे राज्य है जहां धरती आबा बिरसा मुंडा, वीर बुद्ध भगत, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, दीवा किसुन, फूलो जानो, जतराव राम समेत अनेक वीर इस देश के लिए अपने जिंदगी निछावर किए हैं। मैं उनको पहले नमन करती हूँ। ये सब ये जनजाति से ही बिलोंग करते हैं। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के ये अभिन्न अंग रहा है। जनजातियों को कला, संस्कृति, लोक साहित्य, परंपरा एवं रीति रिवाज समृद्ध रही। यहाँ 32 प्रकार आदिवासी रहते हैं, ये खुशी से जीते हैं। तो आदिवासी के चेहरे पे सच्चिदानंद का रूप दिखाई देता है। सुबह से शाम तो काम करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे खुशी, मुस्कुराहट सबको जानकर आश्चर्य होगा। सारा देश में 705 तरीके के आदिवासी रहते हैं। उनको भी शिक्षा देना होगा, क्योंकि उनको गाइड करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए लोगों की जरूरत है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। 100 साल से ज़्यादा हो गया ये लोगों के, ये आदिवासियों के सेवा के लिए ये समर्पित है। समर्पित भाव से पूरा भारत में ये काम करते हैं। मुझे बताया गया है कि 500 से ज्यादा इस तरह के संगठन, इस तरह के संस्था बनाया गया है। और ये सब अपने वेशभूषा, ये त्यागी, ये महापुरुष है। आदिवासी बच्चे गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, इसीलिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, पढ़ाई करने से अच्छा बुरा सोच हम इसका फर्क हम लोग को ज्ञान होगा, इसलिए पढ़ाई जरूरी है। जमशेदपुर भाजपा महानगर ने नव निर्वाचित विधायक सरयू राय के समर्थकों पर भाजपा समर्थक के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए
सीताराम डेरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं थाना प्रभारी से इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की गई। बताया जा रहा है कि सीताराम डेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत छाया नगर में कल नव निर्वाचित विधायक सरयू राय का अभिनंदन समारोह था। आरोप लगाते हुए कहा गया कि जहां सरयू राय ने भाषण में कहा कि छाया नगर के सामुदायिक भवन को उनके समर्थक चलाएंगे, जिसके बाद विधायक तो चले गए, वहीं उनके समर्थकों ने भाजपा कार्यकर्ता सह सामुदायिक भवन को संचालित करने वाले युवक उमेश साहू के साथ मारपीट की। वहीं भाजपा के जिलाध्यक्ष ने आरोप भी लगाते हुए कहा कि जिस दिन विधायक सरयू राय विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज किए हैं, उसी दिन से उनके समर्थकों की ओर से भाजपा के झंडों को जला देना एवं भाजपा के कार्यकर्ताओं को धमकी देने का क्रम जारी है। इससे पूर्व भी इस तरह की घटना की सूचना जिला प्रशासन को दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस सरयू राय के उन समर्थकों को चुनकर कानूनी कार्रवाई करे, नहीं तो पार्टी चुप नहीं बैठेगी। गिनती के दिन के पश्चात से ही ओछी मानसिकता का परिचय विधायक के समर्थकों के माध्यम से निरंतर दी जा रही है, जिसका विरोध हम सभी लोग निरंतर कर रहे हैं। सिलापट का तोड़ना, कार्यकर्ताओं को डराना धमकाना, भारतीय जनता पार्टी के झंडे को फेंकना, और कल छायानगर बस्ती में विधायक के माध्यम से जाकर जो उत्तेजनापूर्ण भाषण दिए गए, उसके पश्चात उनके समर्थकों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को डराना धमकाना, मारने पीटने का प्रयास करना और सारे चीज़ों को एक नशे में रहकर उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया जा रहा है, जो एक निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है एवं अशांति फैलाने का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को डराना धमकाना किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इसके लिए झुकने वाली नहीं है। हम सभी लोग निरंतर अपने कार्यकर्ता के मनोबल के साथ हैं, उनके साथ खड़े रहेंगे, और चाहे वो निर्दलीय विधायक हो चाहे सरकार के माध्यम से अगर इस तरह कार्रवाई होगी तो उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करेगी। जमशेदपुर में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा जिला मुख्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन कर पाकिस्तान के ननकाना साहिब पर हुए हमले की निंदा करते हुए देश के प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान सभी समुदाय के लोगों का समर्थन देखने को मिल रहा था। पिछले दिनों पाकिस्तान के ननकाना साहिब पर असामाजिक तत्वों के द्वारा हमला कर सिख समाज के कई लोगों के साथ मारपीट की घटना की गई थी। वहीं ननकाना साहिब का नाम बदलकर गुलाम मुस्तफा अली करने की धमकी भी दी जा रही थी। इसका विरोध अब पूरे दुनिया में देखने को मिल रही है। विरोध की ये आग देश के विभिन्न प्रांतों से होते हुए जमशेदपुर तक पहुंच गई है। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कार्यालय से सिखों का एक जत्था जुलूस के शक्ल में उपायुक्त कार्यालय पहुंचा, जिसमें सिख समाज का नेतृत्व करने वाले कई प्रधान शामिल थे। वही इस जुलूस में सभी समुदाय के लोगों की उपस्थिति भारत की एकता को दर्शा रहे थे। प्रतिनिधिमंडल के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम 4 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हमला सिख समाज बर्दाश्त नहीं करेगी। इस घटना को अंजाम आतंकवादियों के द्वारा दिया गया है, जिसका सिख समाज निंदा करती है। वहीं इस घटना के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भारत सरकार के माध्यम से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इन्होंने दिया है। साथ ही इनकी सुरक्षा की भी मांग उठाई गई। विश्व में आज निंदा हो रही है और हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। ये मैं व्यक्तिगत तौर पे उस घटना को केवल और केवल एक गुंडागिर्दी मानता हूँ। किसी भी धार्मिक स्थल पे इस प्रकार का व्यवहार करना ये इंसानियत और जो हमारे किसी भी धर्म में जो सिखाया जाता है उसके बिल्कुल प्रतिकूल है। आज जमशेदपुर के सभी समाज के लोग, वर्ग के लोग, धर्म के लोग आप देखेंगे आज सम्मिलित हुए और उपायुक्त के माध्यम से हम अपनी बात हमारे देश के प्रधानमंत्री को और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यह बताना चाहते हैं कि इस प्रकार की चीज़ों पर अविलंब रोक लगाई जाए। इस प्रकार के जो गुंडा तत्व हैं वो पे अविलंब लगाम लगाया जाए, कठोर से कठोर उन पर कार्रवाई की जाए और ऐसी घटना दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये प्रशासन के साथ साथ के समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, छोटा सा एक समूह है, तत्व है, ऐसे तत्व पे अंकुश लगाया जाए और उनको डिमोरलाइज किया जाए कि उनकी एक छोटी सी घटना वो कहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन उसका व्यापक असर आज की डेट में सोशल मीडिया है और अन्य साधनों से पूरे विश्व के भाईचारे को प्रभावित करता है। जमशेदपुर के बागबेड़ा स्थित राम मनोहर लोहिया सेवा संस्थान में रेड क्रॉस सोसाइटी और राम मनोहर लोहिया नेत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में स्वर्गीय के सिंह की पुण्य स्मृति में
574वां आई ऑपरेशन मेगा कैंप लगाया गया है, जहां केवल जमशेदपुर ही नहीं बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों से आए नेत्र रोगी भी इस कैंप से लाभान्वित होंगे। इधर मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक सरयू राय ने शिरकत की। इसके अलावा अतिथि स्वरूप जिले के धालवो अनुमंडल पदाधिकारी समेत शहर के कई चिकित्सक व गणमान्य लोग शामिल थे। उपस्थित अतिथियों ने संयुक्त रूप से द्वीप प्रज्वलित कर इस मेगा कैंप का उद्घाटन किया। वहीं विधायक सरयू राय व एसडीओ चंदन कुमार ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों की जमकर सराहना की। साथ ही इस संस्थान से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों का धन्यवाद भी किया। बिना आपके आशीर्वाद के और काम जनता के हित का है, लोगों के हित का है, तो उसमें और नई चीज नहीं हो जाएगी। विजय बाबू को, डॉक्टर साहब को, इनके समस्त सहयोगियों को जो अपने व्यस्तम कार्यक्रमों का एक्सरसाइज कार्य देते हैं, तो आम लोग जो अपनी मदद खुद करने में सक्षम नहीं है उनकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। जो युवती मामले पुलिस को सोसाइटी डॉक्टर रोजिया की जिंदगी में खड़ा संस्थान और इसी तरह के अनेक संस्थान जिनके जमशेदपुर में सेक्रेट हार्ट कॉन्वेंट के द्वारा 75वां वर्षगांठ के अवसर पर प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें स्कूली छात्राओं ने अपने 75 साल के गौरवशाली इतिहास को पोस्टर के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला पुलिस कप्तान अनूप बिरथरे शामिल रहे। बिष्टुपुर स्थित सेक्रेट हार्ट कॉन्वेंट स्कूल प्रांगण से शुरू हुई प्रभात फेरी शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर पुनः उसी स्थान पर आकर समाप्त हो गई। इस रैली में स्कूल की छात्राएं हाथों में तख्तियां लिए अपने 75 सालों के गौरवशाली इतिहास को दर्शाने का प्रयास कर रही थी। वैसे जब इस स्कूल की शुरुआत हुई थी तब महिलाओं को शिक्षा से कोसों दूर रखा जाता था, लेकिन स्कूल के निरंतर प्रयास से यहाँ शिक्षित होकर आज कई महिलाएं ऊंचे मुकाम को हासिल कर चुकी है। जमशेदपुर में समाज सेवियों ने एक मंच पर आकर CAA कानून का विरोध जताया है और इसे वापस लिए जाने की मांग की है। इन्होंने कहा कि इस कानून से देश के नागरिकों को नागरिकता का खतरा नहीं है, लेकिन इस कानून से देश की एकता को खतरा हो चुका है। इनके द्वारा इस मामले में एक विरोध साक्षी गोलचक्कर में जताया गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए CAA कानून से देश के किसी भी नागरिक को नागरिकता का खतरा नहीं है, ये सच है, लेकिन इस कानून को लाने से देश की एकता को खतरा हो चुका है क्योंकि इसका राजनीतिकरण हो चुका है। इन्होंने कहा कि इस कानून का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों एवं नागरिकों के हाथों में भी देश का तिरंगा है और इनके पक्ष में खड़े होने वालों के हाथों में भी तिरंगा है। इन्होंने कहा कि विदेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों को देश में लाए जाने के फैसले का देशवासी स्वागत करते हैं, लेकिन CAA कानून के बिना भी उन्हें लाया जा सकता है। इस कानून का राजनीतिकरण कुछ इस कदर हो चुका है कि देश में एकता खतरे में आ चुकी है, जिस कारण इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए। इसी ये जो कानून है इससे भारतीय नागरिकों को नागरिकता का खतरा नहीं है, जो सच बात है, लेकिन हम लोग गुमराह हो चुके हैं सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की गलती की वजह से। हम चाहते हैं कि CAA कानून नागरिकता को तो खतरा नहीं है, लेकिन देश की एकता को खतरा हो चुका है। आज देखिए इसके सपोर्ट में भी लोग तिरंगा लेके निकले हुए हैं और इसका विरोध भी तिरंगा लेके कर रहे हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इस कानून को सरकार वापस ले। रही बात हमारे अपने कह सकते हैं आप, जब हमारी सरकार पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी है तो हमारे अपने हैं, आप चाहें तो बॉर्डर खोल दें, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के माध्यम से उनको बुलाएं, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन इस कानून को वापस ले लें इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। सिर्फ हम उलझ चुके हैं, देश का विकास करत रुक चुका है और सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये किसी एक पर्सन का नहीं है बल्कि देश का सवाल है और हम यही चाहेंगे कि सरकार से हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि नागरिकता जिसको देना है आपके पास सिस्टम है, कोई जरूरी नहीं कानून बनाने के लिए, आप एक बार आवाज़ तो दीजिए, पूरा हिंदुस्तान खड़ा होगा उन अल्पसंख्यकों के लिए पाकिस्तान में हो रहे जुल्म की। तो हम यही चाहेंगे बस कि सरकार ध्यान दे और CAA कानून को वापस ले ले
और नागरिकता के लिए जो भी हो गया, एक आसान सा बजट ये संसद में एक प्रस्ताव लाया कि हम कानून बिना कानून के ही नागरिकता देना चाहते हैं, तो वेलकम है। जमशेदपुर पूर्वी के नव निर्वाचित विधायक सरयू राय का नागरिक अभिनंदन श्री श्याम मित्र मंडल के द्वारा बारद्वारी में आयोजित की गई। इस दौरान क्षेत्र के निवासियों ने विधायक का अभिनंदन किया। इस दौरान सभी ने नव निर्वाचित विधायक का माला पहनाकर अभिनंदन किया। वहीं क्षेत्र के निवासियों ने स्थानीय जन समस्याओं को विधायक के समक्ष रखा। अपने भाषण के क्रम में विधायक सरयू राय ने कहा कि पूर्व में जैसे उन्होंने पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को उनका हक दिलवाया है, वैसे ही अब पूर्वी क्षेत्र की जनता खासकर गरीब तबके के लोगों को उनका हक दिलवाया जाएगा। आपने अपनी समस्याओं को भी रखा है, रोजगार के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में ध्यान आकृष्ट किया है। ये समस्याएं हैं, सबसे जुड़ी हुई हैं, उन समस्याओं को दूर करना हम लोग काम है। और हमारी कोशिश यहाँ भी रहेगी कि जैसे मानकों में हम लोगों ने काम करके इसको पूरा किया है, वैसे जमशेदपुर में भी जो नागरिक सुविधाएं हैं उनके लिए स्वशासन हो जाए, स्थानीय लोगों का शासन हो जाए और वही तय करें कि इसका कैसे इसको सुधारेंगे, ठीक करेंगे। MLA का, MP का सीधा हस्तक्षेप इसमें नहीं रहकर नागरिक ही तय करेंगे, वही बढ़िया होता है। देश भर में, दुनिया भर में ये प्रथा चल रही है। जमशेदपुर में भी इसको हम लोग लागू कराने का प्रयास करेंगे, हमारी एक प्राथमिकता होगी। जमशेदपुर में निदान वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से बढ़ती ठंड को देखते हुए गरीब और असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान लगभग 200 गरीबों को कंबल प्रदान किए गए। संस्था के द्वारा देश भर में इसी मुहिम को चलाया जा रहा है ताकि ठंड के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु न हो। शनिवार को इन्होंने साक्षी के आम बगान मैदान में यह अभियान चलाया। इसमें मुख्य रूप से खानाबदोश जीवन व्यतीत करने वाले 200 लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। साथ ही इनके द्वारा आगे भी इस कार्य को जारी रखने की बातें कही गई। निदान वेलफेयर फाउंडेशन, ये जिम्मेवारी दी गई है हमारे वॉलंटियर लोगों को कि आज 4 जनवरी को असहाय व्यक्तियों को इस ठंड में जरूरतमंद लोगों को लिए एक कंबल वितरण का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग भागीदारी बन रहे हैं। इस ठंड में जिस व्यक्ति को जरूरत कंबल की जरूरत महसूस कर रहे हैं, उन लोगों तक मैं ये कंबल को पहुंचाने का काम कर रही हूं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG News की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।